video. तो मैं आज कुछ बहुत ही interesting करने वाली हूँ. तो today I'm gonna be testing out some waffle maker hacks by 5 Minute Crafts. Finally मैंने अपने लिए order किया है ये mini सा इतना cute सा waffle maker. आप देख सकते हो ये कितना छोटा सा cute सा है और आज इसके साथ मतलब इसका पूरा test होने वाला है. इसको बहुत use करने वाले हैं हम. सारे hacks इसी के साथ test out करने वाले हैं. तो अगर आप interested हो please देखते रहो. और अगर आपने मुझे अभी तक subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले जाके subscribe करो. Also hit the notification bell and follow me on my Instagram India. Now let's get started with today's video. Guys, इस पहले hack के लिए we are gonna make some Maggie waffle maker के अंदर. वैसे पूरी तरीके से Maggie उसमें नहीं बना रहे हैं. पहले हमें instant noodles अलग से prepare कर लेने हैं जैसे कि आप देख सकते हो. उसके बाद for some reason they have cooked it in the waffle maker और पूरा waffle का shape ले लिया था Maggie ने. This is something very interesting to me क्योंकि मैंने पहले कभी भी किसी को instant noodles को ऐसे waffle maker में बनाते हुए नहीं देखा है. एंड क्यों सोचोगे आप ऐसा, पर ठीक है अगर ये लोग कुछ दिखा रहे हैं इसके पीछे कुछ तो होगा. तो इसको हम लोग टेस्ट आउट करके देखते हैं. पहले अपनी मैगी प्रिपेयर कर लेते हैं. तो मैगी मैंने बना लिया था एंड ये अपना छोटू सा वॉफल मेकर सेट कर दिया यहाँ पे. ओके गाइस, तो हमारा ये मैगी वॉफल इज रेडी. जस्ट लुक एट द शेप, इट लुक्स लेजिट लाइक अ वॉफल एंड क्रिस्पी हो गया है. इतना तो मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो गया है और मैगी वाली खुशबू आ रही है इससे. इसमें कुछ भी और अलग से ऐड नहीं किया था. आई डोंट नो इससे क्या डिफरेंस हुआ होगा पर अब मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ. मैगी का जितना भी हमने पानी वानी डाला था वो सब सूख चुका है. इट्स बेसिकली लाइक मैगी का पापड़. इट्स अ न्यू इन्वेंशन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है क्योंकि इसका सारा पानी जैसे मैंने बताया सूख लिया है और क्रिस्पी होने के चक्कर में बहुत ड्राई लग रहा है एज इट इज. बट आई हैव एन आइडिया, अगर इसके ऊपर अच्छे से पिज्ज़ा सॉस और चीज़ डाल के खाओ ना तो ये मैगी का पिज्ज़ा बन सकता है. जैसे बहुत सारे मैंने वियर्ड मैगी रेसिपीज में टेस्ट आउट किया था ना वैसे. और इट्स ओन, इट्स अ लिटिल बिट फीका एंड सूखा सूखा सा, बट ये हैक तो वर्क किया जैसे उन्होंने दिखाया था. आई डोंट नो इसका पर्पज क्या था बट आई एम गोना रेट दिस हैक अ 7 out of 10. So for the second hack, we are gonna make some eggs in the waffle maker. और वो भी ऐसे usual shape में नहीं. आप देखो कैसे वो बना रहे हैं, इसको पूरा ऐसे जाली वाला shape दिया है. And मुझे देखना है कि इतने अच्छे से निकल के बाहर आ भी पाता है या नहीं. And कभी किसी को impress करना हो ना, अपने boyfriend या girlfriend को या मम्मी पापा को ही, तो breakfast में आप उनको ऐसे present करो omelet, वो बोलेंगे wow. तो देखते हैं हमारे ये जाली वाले shape का omelet बन के कैसा निकलता है. हमारी ये ऑमलेट की जाली बन के आ चुकी है. दिस इज समथिंग जो मैंने पहली बार देखा है, पहली बार बनाया है. मुझे बहुत अच्छा लगा यार. वैसे उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था टोस्ट के ऊपर और इसके यू नो गैप्स में सॉस फिल किया था, व्हिच लुक्ड रियली प्रिटी. वैसे किसी को प्रेजेंट कर सकते हो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा यार. ये तो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा बन के निकला और एक ही बार में निकला, बिल्कुल नहीं चिपका. एंड ये कुक भी बहुत जल्दी हो गया था, विद इन 2 मिनट्स. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस हैक. इसको मैं रेट करने वाली हूँ 10 on 10. गाइस, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक. एंड इस हैक में वो चीटोस को बना रहे हैं वॉफल मेकर के अंदर, विच इज आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस. एंड चीटोस तो मुझे नहीं मिले और कुरकुरे भी नहीं मिले, तो इस बार मैं टकाटक लेके आई हूँ, विच लुक्स मोर और लेस द सेम ओनली. पूरा उसका शेप टेक्सचर सब सेम ही है. होपफुली इसके साथ भी हैक ऐसे ही वर्क करेगा. इसके ऊपर हमें चीज वगैरह सब डालनी है और फिर बनाना है. देखते हैं कि कुछ अलग से डिश बनती भी है या सिर्फ ये हमारे टकाटक सॉगी हो जाएंगे. सो लेट्स टेस्ट दिस आउट. तो गाइस, मैंने अपने ये यहाँ पे निकाल लिया है एंड टॉपिंग्स के लिए मेरे पास यहाँ पे सिर्फ चीज है. उन्होंने एलपिनोज भी ऐड किए थे पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो अलाउड नहीं है, पर अगर आप चाहो तो कर सकते हो वो भी. मैं सिर्फ चीज के साथ बना रही हूँ और मुझे लगता भी नहीं कि ये टकाटक रखने के बाद हमारा वॉफल मेकर अच्छे से बंद भी हो पाएगा, बट देखते हैं. चलो उसको मैं प्लेस करती हूँ. Thank you.
ये वाला हैक मुझे बहुत डाइसी लग रहा है. देखो कितना धुआं निकल रहा है और साइड से मुझे दिख रहा है कि चीज चिपक चुकी है. मुझे नहीं लगता है निकल पाएगा. लेट्स जस्ट होप कि निकल जाए. ओह गॉड गाइस, लगता है मैंने थोड़ा सा ज्यादा ओवर कुक कर दिया. हमारी हल्की सी चीज जल गई है, बट इसको अब निकाल के देखते हैं कि निकलता है या नहीं. वाओ, ये तो निकल आया मम्मा. I did not expect this at all. Oh my god! देखो गाइस, जैसे उन्होंने दिखाया था वैसा निकल आया. इसको अब टेस्ट करके बताती हूँ. पीछे से तो और इसका शेप एकदम प्रॉपर वॉफल जैसा आया है यार. ये बहुत अच्छा दिख रहा है. अरे गाइस, तो हमारे ये जो कुरकुरे के वॉफल बने हैं विथ चीज, लेट्स सी हाउ इट इज. हाँ, मैं जरूर बोलूंगी कि अगर इसके अंदर एलोपिनोज और वो मस्टर्ड सॉस जो उन्होंने ऐड की थी वो होता तो ये और अच्छा लगता. बट नॉनदलेस लेट्स सी कि ऐसे भी कैसा लग रहा है, क्योंकि वैसे भी काफी फ्लेवरफुल तो होता ही है एज इट इज. एंड आई जस्ट होप कि इसका क्रंच फैक्टर ना चला गया हो. क्रंच ही होगा ना तो शायद ये अच्छा भी लगे. अब मैं इसकी बाइट लेती हूँ. As you guys can see, it is still very crunchy and बस मुझसे गलती हो गई कि चीज हल्का सा ज्यादा ओवरकुक कर दिया है मैंने. पर फिर भी वो अभी पूरा जला नहीं था तो चीजी वाला टेस्ट आ रहा है. एंड इट्स वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट लग रहा है यार ये. आई रियली डोंट थिंक कि एकदम से किसी को समझ आएगा कि वॉफल्स कुरकुरे और चीज से बने हुए हैं. और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है मिक्स होके. आई रियली लाइक दिस. इसको मैं रेट करने वाली हूँ 8.5 out of 10. आई एम वेरी इंप्रेस विद दिस. इसके साथ नेक्स्ट टाइम मैं टॉपिंग्स वगैरह ऐड करके खाऊंगी तो ये और अच्छा लगेगा. चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ. एंड इस हैक में हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलिशियस और यमी से ब्रेकफास्ट वॉफल सैंडविच. मतलब ये सैंडविच ही वॉफल के शेप के होंगे. तो इसमें हमें बेसिकली जैसे हम अपने टोस्टर में बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है. पर देखना ये है कि ब्रेड ऐसा वॉफल वाला शेप ले लेती है या नहीं. बहुत क्यूट दिखेगा अगर ये ऐसा बन गया तो. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद दिस हैक. Alright guys, so our sandwich is ready. Looks really nice. एकदम golden brown. इसमें toasting भी आ चुकी है. So इसको मैं निकालती हूँ जल्दी से. Alright guys, तो ये वाला hack तो काफी एक basic सा hack था. देखो मेरे पास sandwich toaster है और हम ऐसे ही sandwich बना लेते हैं उसमें. पर अगर आपके पास वो नहीं हो और वॉफल मेकर हो तो भी आप बना सकते हो. द गुड थिंग अबाउट दिस इज कि इसको ये बहुत ही प्यारा सा वॉफल का शेप मिल जाता है, विच आई डोंट नो फॉर सम रीजन मुझे बहुत क्यूट लगता है. सो उसके अलावा आई थिंक ये एकदम रेगुलर सैंडविच है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है. बट इट्स अ क्विक हैक क्योंकि देखो वॉफल मेकर वाली मशीन कितनी छोटी सी है, कितनी पोर्टेबल है. सो इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर कभी तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो अपने साथ और ऐसे सैंडविचेस झट से बना सकते हो. अभी मैं इसको खा लेती हूँ. टेस्ट में तो नॉर्मली होगा फिर भी. गाइस, एकदम नॉर्मल ग्रिल्ड सैंडविच की तरह टेस्ट कर रहा है. इट्स रियली यम्मी. अच्छा तो है ही, टेस्टी है और क्रिस्पी टेक्सचर आ चुका है इसका, विच आई लाइक. ऐसे उन्होंने दिखाया था तो ये हैक तो वैसे ही वर्क करा. सो आई एम गोना रेट दिस अ 9 out of 10. वेरी नाइस एंड क्विक हैक. ऑलराइट गाइस, सो फॉर द लास्ट हैक वी आर मेकिंग सम पिज्जा इन द वॉफल मेकर. एंड ओ माय गॉड, अगर ये वर्क करा ना तो फिर तो मुझे लगता है रात में जब भी पिज्जा की क्रेविंग होगी ऐसे घर पे बना के खा लेंगे हम. तो इसके लिए हमें पिज्जा का डो लेना है थोड़ा सा, जो कि मैंने यूट्यूब की वीडियो से देख के थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया है. और उसको हमें बेक करना है इसके ऊपर. एंड फिर जैसे हम जनरली अपने पिज्जा को असेंबल करते हैं वो करना है. देखते हैं कि हमारा पिज्जा बेस इसमें कुक हो भी पाता है या नहीं. जितना उन्होंने वीडियो में दिखाया है भाई बहुत अच्छा दिख रहा है. आई रियली होप ये ऐसा ही टर्न आउट हो. ओके गाइस, सो लेट्स चेक कि हमारा पिज्जा बेस कितना बन चुका है. ओह, लुक्स नाइस. ये हल्का से यहाँ ब्राउन हो भी चुका है एंड यहाँ का बचा है पर ठीक है. आई थिंक इट्स कुक्ड, क्योंकि इसे ज़्यादा करूँगी तो ये हार्ड भी हो सकता है. तो इसको मैं अब असेंबल करना स्टार्ट करती हूँ. उसके बाद भी थोड़ी देर ये इसी पे कुक होगा. सो आई थिंक ये रेडी हो जाएगा. मिनी पिज्जा इज रेडी एंड बाय फार ये सबसे ज्यादा टेम्पटिंग चीज लगी मुझे. ओ गॉड, यू नो पिज्जा इज माय फेवरेट. आई जस्ट कांट वेट टू ईट दिस. लेट्स ट्राई दिस आउट. बहुत अच्छा है अभी गर्मा गर्म.
गाइस मैं मजाक नहीं कर रही, इसे खुशबू भी एकदम ऑथेंटिक पिज्जा वाली आ रही है और ये बेस एकदम अच्छे से कुक हुआ है और नीचे से जब हमने इसको और सेका था ना तो नीचे से एकदम क्रंची सा दिख रहा है, एकदम अच्छे से ब्राउन हो गया और थिन क्रस्ट पिज्जा नहीं हम जैसे ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट्स में वैसा लग रहा है। तो आई एम जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस हैक। कभी नहीं सोचा था ऐसे वॉफल मेकर में क्विक सा पिज्जा बना सकते हैं, वो भी घर के बेस के साथ। सो लेट्स जस्ट टेस्ट दिस। ओह गॉड आई एम सो एक्साइटेड, जस्ट लुक एट इट। चलो खाती हूँ। बेस बहुत ही ज्यादा अच्छे से कुक हो गया है, पता ही नहीं लग रहा कि घर का बेस है, वही लग रहा है जैसे हम मार्केट से आटा वाला थिन क्रस्ट लाते हैं। एकदम वैसा टेस्ट भी कर रहा है और वैसे ही कुक भी हुआ है एंड ऑब्वियसली टॉपिंग्स वगैरह तो एकदम अच्छे पिज्जा वाला टेस्ट का है ही। दिस इज सो यम्मी। जिसको भी यू नो कुकिंग का इतना शौक नहीं है वो भी इसको बना सकता है बहुत ही इजीली और झटपट तरीके से, एकदम छोटा सा पिज्जा। ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा हैक लगा, इसको मैं रेट करने वाली हूँ 10/10। यस गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड ऑल द हैक्स। मेरे पास अभी बहुत सारे और वॉफल हैक्स बचे हुए हैं टेस्ट आउट करने के लिए, तो अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना होगा तो बताना, या फिर अगर आपके पास और हैक्स होंगे तो मुझे सजेस्ट करना या इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको थम्स अप देना। ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन लेट मी नो कि आपको आगे और कैसे वीडियोज देखनी है। एंड या गाइज अपना ध्यान रखो, सेफ रहो एंड सारे प्रिकॉशंस लो। एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।